एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी, इसमें वीवीटी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वीवीटी हाइब्रिडाइजेशन एमओटी लिखते जाइएगा, बैक बॉन्डिंग, नाम सुने बैक बॉन्डिंग का? सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग लाइक समथिंग लाइक, एक क्वेश्चन आया हुआ है B2H6 में, किस टाइप का बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसमें कुछ अलग टाइप का बॉन्डिंग होता है जो कि बिल्कुल वैसा, एक मिनट रुकिए तो सही। यस, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, बट जनरली एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, बट यहाँ पे तो 2 बॉन्ड को बनाने के लिए 2 कोवलेंट के 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनता है, इसलिए मैं इसको सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मतलब इस सेक्शन में मैं कैसे जाऊँगा, जैसे कैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बाइफरकेट करके बोला, पहला सेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर, सेकंड सेक्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी एंड सो ऑन, राइट। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग से पहले आपको पढ़ाऊंगा डाइपोल मोमेंट, नाम सुने हैं? उसके बाद वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और सारा टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट, कर सकते हैं 60% ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एकदम सिस्टमेटिक सीक्वेंस लिया हूँ, रैंडम नहीं, ठीक है। दूसरा सेक्शन रहेगा कौन सा, जिसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, राइट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और यहां पे ही पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज, उसके बाद यहां पे ही सम बेसिक इंट्रोडक्शन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जैसे ही आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो यहाँ पे ही हम लोग सीखेंगे, एक तो डैम्स रूल सुने होंगे नाम, फजन्स रूल, करेक्ट। और यहाँ पे हैं क्या सीखेंगे, बॉर्न हेवर साइकिल, ये भी सुने होंगे आयनिक बॉन्ड में, दिस इज मैकेनिज्म टू हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे ही थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड,
एंड थर्मल, इसके बीच में और भी आते रहेगा बट जस्ट मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ सीक्वेंस बनाने के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट इसको मैं दो पार्ट में ऐसे करके आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूँ, बट पहले मैं स्टार्ट करूँगा इस सेक्शन से। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर ये दोनों पार्ट कवर करेंगे तो मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकता हूँ रिजोनेंस, विदाउट दिस मैं रिजोनेंस स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि रिजोनेंस में बार बार हाइड्रोजन का यूज में आएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझे। इसको हटाया जाए, लिख लिए, इसको हटाए। ओके तो स्टूडेंट जो ओल्ड थ्योरी, क्लास स्टार्ट हो गया, ओल्ड थ्योरी जो है, जो क्लासिकल थ्योरी था उसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानकर चल रहे थे, पार्टिकल कैरेक्टर, और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या होता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता था, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड बनना है और सिंगल बॉन्ड बनना है तो सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से दिखाते हैं जनरली, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट एक्चुअल में उसका कॉन्सेप्ट ये था ना कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो क्लास का जो लुईस का कॉन्सेप्ट था क्यों था वो बाद में देखेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन बी देगा और एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, इस दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और कोवेलेंट बॉन्ड में इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे बी का भी राइट रहेगा और ए का भी राइट रहेगा, करेक्ट। बट यहाँ पे लुईस का कॉन्सेप्ट में ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक था कि उनके कॉन्सेप्ट में ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस शेयरिंग, क्या था, शेयरिंग हो गया है, ए और बी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है, इट डजंट मैटर, CO2 के लिए उनका स्ट्रक्चर में CO2 ऐसे दिखा दें या CO2 ऐसे दिखा दें कोई फर्क पड़ता, उनको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर से, राइट। बट क्या अभी के टाइम पे सही है, नहीं है, तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक था लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कि वहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के बाद, करेक्ट। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी में, सबसे पहले मैं मॉडर्न थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मॉडर्न थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का कैसा कैरेक्टर मानेंगे, पार्टिकल कैरेक्टर या वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, क्लाउड, राइट। और वहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ड्यू टू, ऑब्वियसली बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, समझ में आ गया है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक और वाइटल, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक और वाइटल। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैंने कौन सा टर्म यूज किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला या वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल बोला, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा कहाँ पे, ऑर्बिटल में, कहाँ रहेगा, ऑर्बिटल में, करेक्ट। व्हाट द मीनिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, बट दिस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या मैंने पढ़ाया है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंशियल पढ़ाया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। बट दिस डिफिनेशन ओनली वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक, नॉट फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए जो लोग बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो वीडियो फॉलो करेंगे, तो डी ब्लॉक के लिए कुछ और तरीका बताया था निकालने का, ठीक है। तो लेकर लिख लीजिएगा, नोट करके नीचे इसी पॉइंट में नोट करके लिखिए। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। और ब्रैकेट लिखिएगा, एरो देखिए, दिस डिफिनेशन ओनली वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक, नॉट फॉर डी ब्लॉक। दिस डिफिनेशन वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक, नॉट फॉर डी ब्लॉक। सेकेंड पॉइंट, एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विथ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम containing one electron with opposite spin. अब एक मिनट रुके स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन, उस पूरे चैप्टर का अगर स्टार्ट किया जाए तो दो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनता है, वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, एंड हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, क्यों बनता है और कैसे बनता है। क्यों बनता है का रीजन बाद में देखेंगे, बट कुछ तो रीजन होगा। इसका मतलब है कि दो एटम आपस में अगर कंबाइन होता है और कोई बॉन्डिंग करता है तो ऑब्वियसली फॉर बेटर स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी दो एटम ए और बी आपस में कंबाइन होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और सिस्टम अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। तो ए हो गया इनर्जी कॉन्सेप्ट, इसको कौन सा कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनर्जी कॉन्सेप्ट। एक और रीजन था जो लुइस का था, वो क्या था, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, क्या था, फुलफिल ऑफ, बट बाद में वो जाके फेल कर गया। बट भाई कोई थ्योरी, ठीक है जाके थोड़ा सा उस थ्योरी में फेल नहीं बोलेंगे, लिमिटेशन आ गया, बट स्टार्ट तो वहाँ से ही किया गया था ना। तो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, बट बाद में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, फॉर एग्जाम्पल PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उस फॉस्फोरस के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 है या 10 है, एक्सपेंशन हो गया। तो एक्सपेंशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से डी ब्लॉक आएगा, डी सबसे लाएगा, राइट। एस और पी तक, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस और पी है तो किसी के साथ अगर बॉन्ड भी फॉर्म करेगा तो एस और पी मिलाकर 8 से ज़्यादा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको तो एक्सपेंशन कहाँ से पॉसिबल था, आफ्टर 10 एटॉमिक नंबर, आफ्टर 10। सेकेंड थिंग, तो ये तो सेकेंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन ये भी है, वन ऑफ द रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन है फॉर पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर व्हाट, पेयरिंग ऑफ। तो वही मैं रीजन यहाँ पे वन ऑफ द पॉइंट लिखा हूँ, बट वही एक रीजन नहीं है। तो मैंने बोला क्या कि एक मिनट में लिखवाऊंगा फिर। इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, बसो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, बट इन जनरल दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, विथ सेम स्पिन या अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, क्योंकि दोनों आपस में पेयरिंग करने के बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्या बनेगा। और आज के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं पेयर टर्म यूज करता हूँ, इसका मतलब सेम बॉक्स सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप का हो सकता है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने टाइप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, यही तो पढ़ते हैं ना VSEPR थ्योरी में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए क्या आपसे पूछते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या समझते हैं? पूरा दुनिया तो यही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं, तो आप भी गलत बोल दिए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको नॉर्मल पढ़ाया था ना कि नॉर्मल टर्म, नॉर्मल किसे बोलते हैं, बड़ा क्लियर कट एक लाइन लिखवाया था, दोज अल्केन विच कैन बी ब्रांच, वैसा अल्केन जिसमें ब्रांचिंग हो सकता है बट स्टिल इट इज अनब्रांच, करेक्ट। तो क्या तीन कार्बन के अल्केन तक ब्रांचिंग पॉसिबल है? तो तीन कार्बन के अल्केन तक नॉर्मल टर्म यूज भी नहीं होता है। नॉर्मल मीथेन कहीं पर लिख दीजिए, अगर बोल दीजिएगा तो बहुत फुलिश टास्क हो जाएगा, जो नॉलेज जिसको रहेगा वो हंसते रहेगा कि अच्छा सही से नहीं पढ़ा गया है। नॉर्मल इथेन कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्रोपेन कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्रोपाइल मिलेगा, मैं अल्केन का बात कर रहा हूँ, राइट। वैसे ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो विच इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और अगर पेयरिंग में है तो उसी को क्या नाम देंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे? मुझे लगता है एक लाइन लिख ही लीजिए आप लोग, बहुत छोटा छोटा बात जानना है नहीं, चलिए छोटा बात नहीं यही बड़ा बात है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्स, नोट करके लिख लीजिएगा, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, ब्रैकेट में लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। But are still not involved in bonding. एक नोट करके एक और इसी में सेम पॉइंट के अंदर नोट करके एक और पॉइंट लिखे, तो वन ऑफ द रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, वन ऑफ द रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही रीजन, सारा यही रीजन नहीं है, जितना भी रीजन उसमें वन ऑफ द रीजन ए भी है, दूसरा रीजन एनर्जी का भी है, थर्ड रीजन फुलफिल ऑफ ऑक्टेट में, बट ए भी एक रीजन है। कौन सा? अनपेयर्ड, अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करने का मतलब सम, यहां देखिएगा स्टूडेंट, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी को लेकर आ रहे हैं और दोनों का स्पिन पैरेलल है, करेक्ट, ऐसा हो सकता है, बट जैसे ही ये ओवरलैप करेगा तो खुद ब खुद इन दोनों में से कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन का स्पिन जस्ट अपोजिट कर लेगा, वो खुद से हो जाता है। कभी भी पेयरिंग ऐसे होगा कि ए और बी में बॉन्ड बना रहा है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? और जैसे ही इसको एक साथ अगर बॉन्ड बना लिया तो इसको कौन क्या बोलेंगे? बोलिए बॉन्ड पेयर। अब पेयर ऑलवेज एक बॉक्स में होता है, बॉक्स का मतलब समझते हैं? बोलिए ऑर्बिटल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्बिटल का शेप बॉक्स बन गया, दिखाने का तरीका होता है, बट यहाँ जो बॉक्स रहेगा, ये जो बॉक्स रहेगा वो एटम का बॉक्स रहेगा या मॉलिक्यूल का? बोलिए मॉलिक्यूल का। तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पढ़ते हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ गया है? नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। इस पॉइंट के अंदर छोटा छोटा पॉइंट बनाइए एबीसी करके, ए में बोथ एटॉमिक और वाइटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
बोथ एटॉमिक और वाइटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन. इसमें पॉइंट भी बनाइए. एक मिनट सुन रुकिए, ध्यान सुनिएगा. इस थ्योरी में बॉन्ड किसके वजह से बन रहा है? बोलिए सर, ओवरलैपिंग की वजह से. किसके वजह से बॉन्ड बन रहा है? ओवरलैपिंग. देखिए हम लोग कीवर्ड कैसे पकड़ते हैं. तो जिस वजह से बॉन्ड बन रहा है वो वजह ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग. लॉजिक है ना. बॉन्ड किसे बन रहा है? ओवरलैपिंग से. तो ओके सर, एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा देन स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड. नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ जाएगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी डिफाइंड किया, हाउ कैन वी फाइंड आउट कि किस टाइप का ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा और किस टाइप का ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग. तो मैं बताऊंगा कैसे कम होगा ज़्यादा होगा, राइट. बट यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ गया, इसका मतलब है कि इस थ्योरी में बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. तो उसको पॉइंट बी में लिखिए. ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, greater the extent of overlapping, a stronger will be bond. greater the extent of overlapping, a stronger will be bond. इसमें एक और पॉइंट लिखिए. extent of overlapping depends on, extent of overlapping depends on नेचर ऑफ ओवरलैपिंग. इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इस टर्म को नेचर ऑफ ओवरलैपिंग को अंडरलाइन कीजिएगा. नेचर ऑफ ओवरलैपिंग कॉमा एंड टाइप ऑफ एटॉमिक और वाइटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग एंड टाइप ऑफ एटॉमिक और वाइटल्स इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग. अब एक मिनट रुकना है, इन दोनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एलाबोरेट करूंगा. अभी जस्ट पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, फादर में ही एक्सप्लेन करूंगा. इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग. इसे आप लोग थोड़ा बहुत पहले से तो जानते होंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है भाई. सिग्मा बॉन्ड हम लोग मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे हैं. सिग्मा बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बोलना चाह रहे हैं. आयनिक बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं क्या? सिग्मा और पाई किसका नाम है? सिग्मा या पाई कोवेलेंट बॉन्ड का नाम है, राइट. इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड आप बोल रहे हैं स्ट्रांग है, पाई बॉन्ड बोल रहे हैं वीक है. तो डायरेक्टली आप ही तो बोल रहे हो, बोलना चाह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा. सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग. मैं आपसे ही आंसर ले लिया. आपने बोला, मैंने पूछा सिग्मा और पाई में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, आपने सर सिग्मा. सर इसको सब जानता है. तो सिग्मा में ओवरलैपिंग डैम श्योर ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन का स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन व्हाट? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. तो नहीं लगता कि हर पॉइंट पर सर रुकना पड़ेगा? अगर उसको समझ गया तो मार्क्स आ जाएगा, राइट. अब मार्क्स आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा. इतना आसान है, एकदम पॉजिटिव थॉट रखिए. मैं कल इन लोगों को न्यू बैच को, देखिए जो मैं बोलता हूँ तो शायद लगता होगा अच्छा एडमिशन सर कैटलिस्ट में लिए हैं इसलिए सर वैसे बोल रहे हैं. एक्चुअली उस चीज़ से मैं ऊपर उठा हुआ हूँ अभी. मतलब जो आप देख रहा हूँ तो वे सिचुएशन नहीं था, बट मैं भी कभी अपने चेहरे पर सीकर नहीं आया. तो हाँ कि लास्ट बेंच तक मेरे क्लास में बच्चे बैठते थे, अभी तो खाली है. कोरोना है भाई, यहाँ पे चल रहे हैं. बट एक्चुअली फैक्ट वही है कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास में. मतलब आपको एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस जाने वाला है. लेकिन उसके लिए आपको एक एक क्लास कम से कम आके तो बैठिए. जब तक नहीं बैठिएगा, जैसे यहाँ पे जो लाइव क्लास कर रहे हैं तो मैं उनको देख तो नहीं पा रहा हूँ सर. उसका क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है अभी के लिए काम चल जाएगा, बट ऑर्गेनिक क्लास में जब रिजोनेंस स्टार्ट करूँगा, प्लीज़ क्लास अगर हो सके लाइव यहाँ पे ऑफलाइन आइए. क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्गेनिक में हाथ पकड़ के मुझे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाना पड़ेगा, घर से नहीं होगा. और रिजोनेंस जिसने स्ट्रांग कर लिया पूरा ऑर्गेनिक अच्छा कर दूंगा, और रिजोनेंस में जिसने काम नहीं किया पूरा ऑर्गेनिक खराब हो जाएगा.
मतलब बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए रेजोनेंस। पॉलीमर पढ़ाते रहेंगे, पॉलीमर भी रेजोनेंस आ जाता है। एक एग्जांपल दें, पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्यों, है ना, कहीं पे उसमें रेजोनेंस होता है ड्यू टू रेजोनेंस, यही आंसर है। रेजोनेंस कारण उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। और आप बायो वाला तो समझ ही गए होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, प्रोटीन, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट को अभी मैं कवर नहीं किया हूं, जस्ट लिखवाया हूं कि मुझे इसको कवर करना है। नेक्स्ट लिखेगा, ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस, ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक और वाइटल एंड हाफ फिल एटॉमिक और वाइटल। ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक और वाइटल एंड हाफ फिल्ड एटॉमिक और वाइटल, मतलब एक और वाइटल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हाफ, ऐसा भी हो सकता है, कॉमा, एज वेल एज ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक और वाइटल एंड वैकेंट एटॉमिक और वाइटल। फुलफिल एटॉमिक और वाइटल एंड वैकेंट एटॉमिक और वाइटल, अच्छा स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप बोल रहे हैं फुलफिल्ड और वैकेंट, ऐसा होगा क्या? फुलफिल्ड और वैकेंट कोई एक एग्जांपल बताइए। मैं बता रहा हूं सबसे आसान एग्जांपल, ये अमोनिया है, अमोनिया के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोले पांच। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 30 तो लिखे ही हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच था, बॉन्ड कितना बनाया है 3। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आइडियली पड़ा हुआ है और इसका ऑक्टेट फुलफिल है, करेक्ट, ठीक है ना। अब इसको एच प्लस के साथ बॉन्ड बनाना है, और ये आप में से सब लोग जानते हैं कि NH4 प्लस होता है, राइट। तो भाई इसके साथ अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो इसका और मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे हैं, कौन सा और वाइटल में काम करेंगे, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका तो और वाइटल वैकेंट है, इसका फील्ड है, राइट। अब क्या करेगा ये, अपना दो होता ना कि दो फ्रेंड के बीच में बिजनेस करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, राइट। बट एक के पास आइडिया है बट उसके पास कैपिटल नहीं है, और दूसरे पास कैपिटल लेकिन आइडिया नहीं है, राइट। तो ए ने बी के बदले लगा दिया, 100 रुपीज़ का बिजनेस था, 100 का 100 ए दे दिया, तो ए का कितने का लॉस? 50। भाई 50 तो उसका ड्यूटी था, 100 का लॉस नहीं हुआ, बी के बदले कितना लगाया? इसको 50 का लॉस हुआ। ऐसा नहीं कि सर 100 लगाया तो मैंने ऐसा इसको ताना मार रहे हैं कि 100 दे दिया तुमको, बिजनेस हुआ था तो इसने 100 रुपीज़ लगा दिया, तो अपने बदले 50 लगाया, इसके बदले तो इसको 50 का ही तो लॉस हुआ। लेकिन जो 100 लगाएगा आप उस पर दोनों का राइट रहेगा, दोनों का इक्वली राइट रहेगा, अगर इक्वल शेयरिंग हो रहा है, राइट। तो एक्चुअल में ए अगर दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, भाई इसे डोनेट नहीं कर रहा है, उस दो इलेक्ट्रॉन का उसने यूज़ किया बॉन्ड बनाने में, बट इस बॉन्ड को, इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें वन ऑफ द पार्टनर गिव्स बोथ इलेक्ट्रॉन, राइट। एक ही पार्टनर दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब इसके बदले कितना दे दिया? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, बिना इलेक्ट्रॉन दे हुए बॉन्ड बन गया, प्रॉफिट बोलेंगे। बट इसको एक इलेक्ट्रॉन का, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? दिया दो, बट लॉस एक बोलेंगे, क्यों? एक उसका खुद का ड्यूटी था, दैट्स वाई। इस एरो को ऐसे भी दिखाते हैं, नाइट्रोजन पे प्लस, प्लस क्यों दिए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और इस पे तो पहले से प्लस था ना, बट अभी एक प्रॉफिट तो हुआ, तो प्लस माइनस बिकम्स व्हाट? जीरो, ठीक है।
इतना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया जाता है, यू कांट बिलीव। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, याद से 30 ईयर्स पहले आईआईटी का ऑब्जेक्टिव था, मतलब बोलो इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ चेक कर लेंगे एकदम, तो बेसिक से बेसिक बात। क्वेश्चन ये था कि NH4Cl में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर अवेलेबल, इस कंपाउंड में कितना डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग है। अब पहला ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लास्ट ऑप्शन आप लोग का फेवरेट ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे एक ऑप्शन ये रहेगा, नॉन ऑफ दिस नहीं, ऑल ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। वजह देखिए, ये सॉल्ट है, कटायन एनायन के बीच आयनिक बॉन्ड, और इसके अंदर आपको दिखेगा नहीं इस टाइप का एरो, करेक्ट? बट इसमें से आउट ऑफ फोर तीन कोवेलेंट था, एक फोर्थ क्या बना था? कोऑर्डिनेट बना था। तो इसमें कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी, और आयनिक भी है। तो एक क्या आसान क्वेश्चन था, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन था, राइट? इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। मतलब हम लोग को एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है? अरे अगर वहाँ यहाँ पर आ चुका है तो नीट के लिए तो अभी के टाइम पर परफेक्ट क्वेश्चन ही बन सकता है, और इसमें 90% बच्चे मिस्टेक करेंगे। वो सिर्फ हो सकता है सॉल्ट देख के आयनिक बॉन्ड लगा के आ जाएं, या बहुत कोशिश करेंगे तो सॉल्ट देख, ये देखकर क्या करेंगे, आयनिक और कोवेलेंट, उनको तो एरो तो नज़र आएगा नहीं कोऑर्डिनेट वाला, राइट? तो इसका मीनिंग समझ में आ गया कि जो मैंने लिखवाया कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो फॉर्म बिटवीन फुलफिल एंड वैकेंट, फुलफिल एंड, तो फुलफिल और वैकेंट के बीच में होगा, इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही मैंने इनडायरेक्टली ये बात बोला कि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट, इसका मतलब ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन अनपेयर्ड अनपेयर्ड, हाफ फील्ड फुलफील्ड एंड हाफ फील्ड, एज वेल एज फुलफील्ड एंड वैकेंट और वाइटल, करेक्ट ना? सब पे एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। चल नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए, समटाइम्स पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन इन फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल, सम नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन इन फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल first becomes unpaired and then involve in bonding and then participate in bonding and then participate in bonding। अब इसका कुछ एग्जांपल समझिए। यहां देखेंगे एवरीवन, कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 बोलते रहिएगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके बैठिए अभिज्ञान, थोड़ा सा इधर देखते रहिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, राइट? और बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द रीजन होता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 है कार्बन का, बट इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो 2 ही है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, 2। और वन ऑफ द रीजन फॉर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन फुलफिल ऑफ ऑक्टेट भी है, बट एक्चुअल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट केमिस्ट्री में 90% जो एक्सप्लेनेशन आया है, वो एक्सप्लेनेशन पहले आया है या पहले कंपाउंड बना है,
भाई कंपाउंड बनता है मैकेनिज्म में भी, जो होता है ना कि लैब में काम करें प्रोडक्ट बन गया, अब उसको करेक्टली एक्सप्लेन करते, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैकेनिज्म, करेक्ट ना। पहले पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक, गुवाहाटी से कोलकाता तक का मुझे एक और रूट बनाना है, ऐसा थोड़ा कि रोड बनाते चलें, कहाँ जाना है पता ही नहीं है, पहले इनिशियल फाइनल पॉइंट पता है तब उसका हम लोग शॉर्टकट देख रहे हैं या सुटेबल पाथ, राइट। तो यहाँ देखिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो है, तो दो ही का तो पेयरिंग करना था, तो पेयरिंग के कॉन्सेप्ट से तो दो ही वैलेंसीज का होना चाहिए था, वैलेंसी कितना होना चाहिए था, बट कार्बन ऑलवेज कितना वैलेंसी शो करता है, ऑलवेज कार्बन चार, वैलेंसी इक्वल टू व्हाट, फोर, कैसे पॉसिबल है भाई। और ये तो पेयर्ड अप है, इसको तो रिक्वायरमेंट था नहीं, और अनपेयर्ड सिर्फ दो है, तो अकॉर्डिंग टू ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से इसका वैलेंसी शुड बी टू, बट होता है चार, हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देते, नहीं यहाँ खुद से जाएगा, खुद से नहीं जाएगा, वजह सर इसका एन प्लस एल अकॉर्डिंग टू विच रूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है न्यू बस के न्यू स्टूडेंट, एन प्लस एल का वैल्यू कितना बोला कीजिएगा भाई, टू, यह टू पी, इसका एन प्लस एल का वैल्यू कितना, ऑब्वियसली इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा, इसका एनर्जी लेवल कम है, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा और इसका एनर्जी लेवल कम है, तो खुद से जाएगा या एनर्जी देना पड़ेगा। और सबसे स्टेबल स्टेट, सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट को भट, और सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एनर्जी हो गया, तो एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में थोड़ा भी एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा तो उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलेंगे या एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब मुझे आउटसाइड से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा और उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, बोलिए एक्साइटेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे एवरीवन, एक्साइटेशन एनर्जी। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, ऐसा तो ये मेरी मर्जी है ना, मैंने आपसे पूछा हो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, नहीं आप जो सीखे हैं वो ग्राउंड स्टेट का सीखे हैं, जिसमें पॉली ऑफ वाव एन प्लस एल हुंस रूल जो भी सीखे हैं वो ग्राउंड स्टेट का मैंने सिखाया है, हाफ फिल फुल फिल, दिस इज नॉट फॉर एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि ये अब क्या हो जाएगा कॉन्फिगरेशन कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में, 1s2, बोलिए 2s1, एक चला गया ना वहाँ, और 2p3। तो यहाँ से एक बात तो डैम श्योर सीखे कि कार्बन डैम श्योर एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में कार्बन, ये ऑब्जेक्टिव आपका बन गया, ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा कार्बन ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड इन, पहला ऑप्शन ग्राउंड स्टेट, सेकेंड ऑप्शन एक्साइटेड स्टेट, थर्ड कुछ और, फोर्थ नॉन ऑब्जेक्ट कर दीजिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब बॉन्ड बनाने से पहले उसको कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, तभी वो फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, फोर हो गया। तो नोट करके लिखे, तो कार्बन शोइंग वैलेंसी इक्वल टू फोर इन एक्साइटेड स्टेट, कार्बन शोइंग वैलेंसी इक्वल टू फोर इन एक्साइटेड स्टेट, वैलेंसी चार का मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो ऑलवेज किस स्टेट में जाकर, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या ग्राउंड स्टेट का जैसा रहेगा या डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा, करेक्ट है ना। तो इस टाइप का दूसरे एलिमेंट के लिए अगर क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर तो चेक कर लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं। ओके, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलिए, फर्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हाउ मेनी, अरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने मुझे लिख के दिखाया है वो कौन सा स्टेट का था,
ग्राउंड स्टेट का, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस अलग अलग चीज होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7, राइट? तो इसका बॉक्स बनाइए वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो 3s2 एंड 3p5 यहां देखिए एवरीवन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वन ऑफ द रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स पेयर्ड अप, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब क्लोरीन अगर वैलेंसी 1 शो करता है मतलब वो अभी ग्राउंड स्टेट में है। कौन सा स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है। अब चलिए, अब सपोज कीजिए कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो कौन सा स्टेट में पहुंच जाएगा? तो एक्साइट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपको यह भी पढ़ाया गया है कि जितना जो ऑर्बिट नंबर रहता है उसमें उतना ही सबसेल होता है। अगर मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो जल्दी से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ये तो मिल गया होगा। तो ऑर्बिट नंबर 3rd में कितना सबसेल रहेगा? 3 sp and d, sp and d। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर का 7 लेक्चर है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, अब हर जगह पर रिक्वायरमेंट मुझे होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और ऑनेस्टली लिख लिख कर फॉलो कीजिएगा। आप लोग वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं या लिखते भी हैं साथ में? एक होता नहीं, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, इतने कमाल कमाल का स्टूडेंट मिल जाते हैं, बोल रहे हैं कि सर नहीं पता है, मैं बहुत जल्दी कवर कर लेता हूँ। कैसे सर? उसमें एक ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड का। समय बोला तो उसमें तो राकेश सर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हुए नजर आएंगे, तो उसमें तो जो जैसे यहाँ पे मैंने रुक के बात बोला, ये तो पार कर जाएगा ना फास्ट फॉरवर्ड में, ये कोई मूवी थोड़ा है कि गाना भगा के देख रहे हैं, ये मूवी नहीं है, क्लास है, इसलिए उसमें जितना टाइम क्लास में लगना चाहिए उतना दीजिए वहाँ पे, राइट? हाँ, कभी बच्चों से बीच में क्लास कर रहे हैं, कभी होता है ना 5 मिनट बात कर रहे हैं, बात करने का भी एक साइकोलॉजी है, कुछ अगर मुझे अच्छा पढ़ाना रहेगा आपको पता नहीं चलेगा, कुछ स्टेप से पढ़ाना रहेगा तो पैसे 2 मिनट ब्रेक ले लूँगा, आप भी आउट ऑफ माइंड हो गए सब्जेक्ट से, फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल से बातों को रख रहे हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल बात है तो ये सब टीचर बनिएगा तो सीखिएगा। तो एक्चुअल में ऑर्बिट नंबर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd है, इसमें एक और सबसेल है जिसका सारा डब्बा खाली है, बॉक्स 3D 1 2 3 4 5, करेक्ट? तो अगर यहाँ से आप देखिए नेक्स्ट, साथ में दिमाग में फ्लोरीन लाइए, फ्लोरीन ऑलवेज वैलेंसी 1 शो करता है, जब एक क्लोरीन वैलेंसी 1 भी शो करता है, क्लोरीन क्या क्या वैलेंसी शो करता है? 1 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, 5 भी शो और 7 भी शो करता है, व्हाट अबाउट फ्लोरीन? ऑलवेज 1, फ्लोरीन ऑलवेज वजह, यस, फ्लोरीन का जब लिखिएगा तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2nd ऑर्बिट, और आप खुद ही बोल रहे हैं ना आउटर मोस्ट, इसका मतलब उसका बाद कोई मोस्ट नहीं, वही आउटर मोस्ट लास्ट खत्म, मतलब 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2, तो उसमें तो 2 ही सबसेल रहेगा भाई, एस और पी, एस एंड साथ में फ्लोरीन का लिख लेते हैं सामने, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, 1s2 2s2 2p5, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इस टॉपिक में बहुत आराम से चलूंगा, स्कोरिंग टॉपिक है, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए, फ्लोरीन के पास क्लोरीन का जैसा फैसिलिटी है कि आपके पास एक्स्ट्रा सबसेल खाली पड़ा हुआ है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2nd ऑर्बिट है, इसके पास 2d नहीं रहेगा, तो इसके पास अनफेड कितना? 1। अगर आप इसको एनर्जी लेवल एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं तो जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड अप है वो अनपेयर्ड हो पाएगा? अनपेड होकर कहाँ जाएगा? सबसे पहले सोचेगा ना सर, अनपेड तो हो सकता है बट ये जाकर जाएगा कहाँ? कहीं जगह है क्या?
खाली डब्बा आपके पास है ही नहीं, इसका मतलब ड्यू टू लैक ऑफ डी और वाइटल फ्लोरिन ऑलवेज शोइंग व्हाट वैलेंसी इक्वल टू वन, उसके पास अनपेड होने का चांस सिचुएशन अवेलेबल नहीं है। दिस इज द वजह कि फ्लोरिन ऑलवेज कितना वैलेंसी शो करेगा वन, बट व्हाट अबाउट क्लोरिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बट क्लोरीन में अगर हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तो सर इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड अप है वन पेयर्ड होकर जा सकता है, कहाँ पे? यहाँ पे जा सकता है, समझ में आ गया। बट अगर आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो खुद यहाँ पे देखिए, इसका एन प्लस एक यहाँ देखना है, एन प्लस एल का वैल्यू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एन प्लस एल का वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? एनर्जी लेवल ऑफ सब सेल, एनर्जी लेवल ऑफ एन प्लस एल का वैल्यू कितना? इसका वेरी गुड 4, इसका 5। तो अगर आप एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी ए भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहाँ का इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होगा? यहाँ का अनपेयर्ड होगा तो यहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, वजह 5-3 वैल्यू 2 है ना, एन प्लस एल का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है एनर्जी लेवल, तो एन प्लस एल का वैल्यू का डिफरेंस इंडिकेट व्हाट? एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, तो इसके इसके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, बट इसके इसके बीच में एनर्जी गैप कम है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5-1 का, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो सबसे पहले कहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप बिकम्स अनपेयर्ड? यस। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर भेजना है तो इस इलेक्ट्रॉन को भेजें या इस इलेक्ट्रॉन को? इस इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो हुंड्स अभी कब्र से जिंदा हो जाएंगे, इसको फॉलो करते हुए हुंड्स रूल को, राइट? कि जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा विथ पैरेलल स्पिन, ये भी लॉजिक है ना। कुछ सोच रहे हैं सर किसी को भेज दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है अनपेयर्ड करना है? फर्क पड़ता है, ये मैं आपको सिखाया हूँ Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन लिखने के टाइम पे, राइट? ये आयंस का कैसे लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेंगे? यहाँ भेजेंगे, करेक्ट है? तो ये कौन सा स्टेट रहेगा? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस पूछा जाए क्लोरीन का, तो क्या वही ग्राउंड स्टेट का लिखेंगे या अलग लिखेंगे? अलग लिखेंगे। और वो अलग क्या रहेगा? वो अलग रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, बोलिए मेरे साथ 3d1, ठीक है ना, 3p4, 3d1, चलिए स्टूडेंट अब बताइए हाउ मेनी अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड, कितना अनपेयर्ड हो गया? यहाँ पे कितना अनपेयर्ड था? 1, यहाँ पे अनपेयर्ड कितना हो गया? इसका मतलब है कि कितना इसका वैलेंसी यहाँ पे शो कर सकता है? 3। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन गया क्लोरीन शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 3 इन विच स्टेट, ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट है ना, सब ऑब्जेक्टिव बनते जा रहा है। अरे आसान नहीं है भाई, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये अभी हम लोग जान गए तो लगता है हाँ सर ऐसा ही होना चाहिए था, जानने के बाद ऐसा ही लगता है, राइट? अच्छा अब इसमें और चांस है कि नहीं है? है, ए 3s, ए 3p4, आई क्या है 3d1। सर थोड़ा एनर्जी देंगे तो फिर से यहाँ से यहाँ जाएगा, अब लिखिए तो, बट यहाँ पर एनर्जी दे रहे इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 3s2, अब हाउ मेनी अनपेड? अनपेड इक्वल टू 5, राइट? अभी और चांस है, यस। अब फिर से अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? अब तो इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, सारा अनपेड हो गया 3p का, तो कहाँ का अनपेड करेंगे? यस, तो वो कौन सा स्टेट रहेगा? इसका मतलब जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था
कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है वो पहले क्या होगा, फर्स्ट बिकम्स अनपेयर्ड देन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन 3s1 हाँ, कौन सा स्टेट में अच्छा है, यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते थे, बट हम लोग का पर्पस क्या था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का मेन पर्पस था यहाँ पे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना, करेक्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे जाते हैं तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं, अनपेयर्ड का अनपेयर्ड रह गया, और दूसरे बात में वहाँ पर और नुकसान हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो उसका एनर्जी लेवल कम है, यहाँ पे क्या तो अनपेयर, इसका तो फायदा यह है कि मुझे पेयर्ड अप से अनपेयर्ड हुआ, मुझे बैलेंसी 7 शो करना है, कितना है 7। तो भाई 7 अनपेयर्ड करने के लिए और प्लस ए जो मैंने डिस्क्राइब किया ये ऑलरेडी उस टाइप का कंपाउंड मिला होगा, तब उसको मैं उसके रेफरेंस बात कर रहा हूँ, कहीं पर क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाए हुए होगा तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा जब 7 अनपेयर्ड रहेगा। उसके लिए कि जहाँ पे बैलेंसी 7 शो करेगा तो डैम से और 7 जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब का सब वहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं, प्योर कोवेलेंट भाई, प्योर। तो प्योर कोवेलेंट में तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा, तो वहाँ के लिए तो आपको 7 अनपेयर्ड चाहिए ही होगा, तो क्या यहाँ से भेजेंगे तो अनपेयर्ड मिल पाएगा? अब पहले ही बोले कि पहले चीज़ों कंपाउंड ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर बैलेंसी 7 होता है मतलब ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड, अगर वैलेंसी कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड में अगर 7 वैलेंसी क्लोरीन शो कर रहा है तो ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी व्हाट अनपेयर्ड, तो ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड, तो उसका ऑप्शन क्या बचा, यही है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ से किया, यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई प्रॉफिट नहीं था, मेरा पर्पस यहाँ पे क्या था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना रहेगा 7, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपका ऑब्जेक्टिव हो गया क्लोरीन वैलेंसी 1 शो करेगा, कौन सा स्टेट 300 करेगा, 500 करेगा, 700 करेगा, लिख लीजिए कहीं पे अगर जगह बचता है तो। यहाँ पे वैलेंसी 1 रहेगा, यहाँ पे वैलेंसी 3 रहेगा, यहाँ पे वैलेंसी 5 रहेगा, यहाँ पे वैलेंसी 7 रहेगा, करेक्ट। सेम फॉर ब्रोमीन, सेम फॉर ब्रोमीन एंड सेम फॉर आयोडीन एंड सेम फॉर फ्लोरीन, नहीं फ्लोरीन 100 करेगा, उसके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है, ड्यू टू व्हाट लैक ऑफ डी और वाइट, थोड़ा थोड़ा हम लोग कभी को ऐसा होता है ना स्टैंडर्ड बोलना लैक ऑफ डी और वाइटल, इतना दिन से सुनते जा रहे हैं लैक ऑफ डी और वाइटल, भाई यही था लैक ऑफ डी और वाइटल, मतलब डी और वाइटल नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है, डी और वाइटल नहीं है, इसको हटाए। देखिए जैसे स्टूडेंट को मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट है, टीचर को कब मोटिवेशन मिलेगा, टीचर जो बात बोल रहा है और स्टूडेंट उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बिना इफ एंड बट के हुए, जैसे टेस्ट हो रहा है आप बस हाँ बोलते रहे, हाँ सर चाहे जो भी मार्क्स आएगा माइनस में ही क्यों नहीं आ जाए, राइट मतलब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए, ठीक है सर माइनस में आ गया कोई बात, तैयारी नहीं है पढ़ेंगे फिर आएगा प्लस में होगा, बट आपका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि आप वो सब चीज़ जानते हो कि हमारा इतना ख़राब हो रहा है फिर भी आप टेस्ट में बैठ रहे हो, ये आपका विल पावर को दिखाता है कि आप बैठना चाह रहे हैं टेस्ट देना चाह रहे हैं। जो टेस्ट नहीं देगा, जो टेस्ट से भागना स्टार्ट कर दिया, तो भाई तो पहला दिन आप डिसाइड कर दिए
कि जो टेस्ट नहीं देना चाह रहे हैं तो नीट तो बिना टेस्ट का होगा नहीं। इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि आप टेस्ट में नहीं देना बैठना चाह रहे हैं, बिना टेस्ट का होगा? ऐसा कोई फैसिलिटी है इंडिया में? नहीं है। और दूसरी बात है कि आप अभी ट्रेंड है ना, सारे सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है, करेक्ट? इसका मतलब अगर आप कहीं पे पढ़ने भी जा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम पे, जैसे सपोज कीजिए कि आप हेल्थ सेक्टर में ही खुद का ही प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। सर गुवाहाटी में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके यहाँ नंबर 4 बजे भोर में जाना पड़ता है, उनके कॉस्ट पे नंबर लगता है। राजगढ़ रोड में ही एक डॉक्टर है ENT का, उनको पता है नंबर लगाने का टाइम कितना है, कितना बजे है? 4 to 5 AM। यस, मतलब उससे 5 मिनट के बाद का नंबर ही नहीं लगेगा। 4 बजे सुबह, 4 बजे सुबह ठंडा में उठने का मन करेगा? वहीं घर का ही मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो नंबर भी लगेगा एक सप्ताह पहले, और उतना बजे से उतना बजे जो है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। मतलब अगर आपके पास क्वालिटी है तो लोग पहाड़ पर से भी आपके पास आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। मतलब लेकिन उसके डेवलप करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, लाइफ थोड़ा उसमें टाइम डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेडिकल क्रैक हो गया अब जाकर GMC में पार्टी कर रहे हैं, तब होगा? मतलब आपको 30 ईयर्स तक पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार क्वालिटी डेवलप हो गया, पैसा कमाने के लिए मैं सोचेगा अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो एटलीस्ट 30 ईयर्स तक अपने आप को डेवलप करते रहिए। पैसा तो अगर आपको चल पड़ा तो भाई पैसा फिर काउंट नहीं कर पाइएगा, मतलब उतना रखने का भी जगह नहीं रहेगा जो डॉक्टर का इनकम होता है। बट उसके लिए क्वालिटी का पूछे भाई। अब अगर मैं आप आए और मैं उस क्वालिटी का नहीं पढ़ा के भेजूँगा तो मेरा निगेटिव भी होगा। सबसे ख़राब निगेटिव कब होता है? जब बच्चा फी दे के क्लास छोड़ दे किसी वजह से, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। फी नहीं दिया चला गया, कोई बात नहीं है, फी दिया ही नहीं, वो कम निगेटिव करेगा। बट फी देकर अगर किसी वजह से, आप देखिए आप कुछ जाएगा ही, और ये भी नहीं मैं बोल सकता हूँ कि मैं भगवान हूँ कि सबको एकदम 100% खुश कर दूँगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है, मेरे कॉस्ट पे पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मतलब आप अपने कॉस्ट पे पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर अपना अलग ट्रैक है, मेरे कॉस्ट पे पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई आपको तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से पीछे हट गए, मतलब आपको पहले ही मुझे पता चल गया कि आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, टेम्परामेंट ही नहीं है। क्योंकि इतना आसान तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आज के डेट में, पहले 450 में जनरल का हो जाता था सिलेक्शन, पता है कि नहीं? अब अचानक से 100 मार्क्स का गैप हो गया, अब 500 प्लस भी कम मार्क्स दिखता है, वहाँ तक आपको रोक कर या हंस कर मार्क्स लाना पड़ेगा। तो उसके पीछे अब एक, लेकिन उसमें एक है लूपहोल, बायो, उसमें अगर स्कोर हो गया तो फिर से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा देखिए नेचर चेंज हो गया भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप 2012 में मुझसे मिलते ना तो मैं अगर 10 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम ले रहा हूँ, 9 टाइम्स IIT का नाम लेता था ना, IIT में ये आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। अभी देखते हैं मेडिकल माहौल मेडिकल का है, क्या कर सकते हैं, वही बोलना पड़ेगा, जैसा टाइम वैसा काम। मेडिकल का गजब क्रेज हो गया, नहीं बहुत ज़बरदस्त क्रेज हो गया है। थैंक गॉड कि मैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, दोनों जगह काम आ जाता है। अब फिजिक्स है, मैं तो कभी कभी सोच के डर जाता हूँ कि अगर मैथ पढ़ाते रहता तो क्या होता है। मैथ का मार्केट थोड़ा कम हो गया है, बट बिना मैथ का कुछ होगा ही नहीं। देखते नहीं मैथ एकदम फिजिक्स में कहीं पे आता है तो सबके चेहरे पे खुशी आ जाता है। चलिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एक मैं इसमें पॉइंट लिखवाया था, वो पॉइंट था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। पहला तो मैंने क्या लिखवाया कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा इसका तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बट अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा कैसे? तो लिखिए फिर से उस पॉइंट को अब हम लोग एलाबरेट कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कौन कौन सा पॉइंट पे डिपेंड करता था? नेचर ऑफ ओवरलैपिंग और टाइप ऑफ एटॉमिक और वाइटल। लेकिन ये बात आपको समझ में ज़्यादा तब आएगा, क्या थोड़ा बहुत पहले से एक्सियल ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग मैं पढ़ाया नहीं हूँ, मैं इसके बाद वही पढ़ाऊँगा,
बट थोड़ा बहुत पहले से पता है एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, लैटरल ओवरलैपिंग क्या होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए नहीं पता है तब भी काम चल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मतलब वो एक्सेल अभी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। जस्ट सबसे पहले बताइए कि दो लाइन के बीच, यहाँ देखना है सबको, दो लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में? और दो स्फीयर के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा? मान लेते हैं कि कोई दो लाइन को मैं टच कराने जा रहा हूँ और दो स्फीयर को, अभी रिजिड स्फीयर ही मानिए, किस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा? भाई स्फीयर सिंगल पॉइंट पे टच में रहेगा, दो स्फीयर को टच कराते हैं कितना पॉइंट पे टच में रहेगा? अभी ये नहीं बोला हूँ कि नहीं सर इट इज काइंड ऑफ क्लाउड है उसमें मर्ज करेगा, उतना छोड़ दीजिए, जस्ट मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस दीजिए कि दो रिजिड स्फीयर को अगर टच कराते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे टच में रहेगा, यहाँ पे कितना पे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे टच में रहेगा, करेक्ट, बट इसमें क्या रहेगा? ओके घर में तो चाय पीने वाला कप देखे होंगे, दो थाली को टच में रखते हैं और दो कप को, इसके अंदर किसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा? वेरी गुड सर, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा, ग्लास का नहीं बोल रहा हूँ कप, ऐसा मान लीजिए, इसका मतलब इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है। तो भाई हम लोग करने क्या जा रहे हैं? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के टच में आना, इसका मतलब है कि वैसा ऑर्बिटल जिसका शेप लीनियर जैसा है, किसका है, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा। और जिसका शेप स्फेरिकल जैसा है उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा, ओवरलैपिंग का चांस कम रहेगा। तो कहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा? इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा रहेगा और इसके बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम रहेगा। बट अब इन दोनों को बोलेंगे इसके इसके बीच में, अब एग्जैक्टली लाइन तो रहेगा नहीं स्टूडेंट, और वाइटल क्या रहेगा? और वाइटल थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम रहता है उसमें, राइट? तो अगर मान लेते हैं कि एक पीस, पी और वाइटल का ही नाम सोचते हैं, पी सबसेल का, तो पी सबसेल के अंदर जो और वाइटल है उसका शेप है डम्बल, क्या है? तो डम्बल का मतलब लीनियर जैसा, तो डम्बल और डम्बल के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। बट एस और वाइटल का शेप कैसा है? स्फेरिकल, उसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम रहेगा। तो एस और एस के बीच में ओवर अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, इसका मतलब है कि हम लोग ये क्या देख रहे हैं, ये मेन हेडिंग मेरा है अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और उससे पहला क्या लिए हैं, एटॉमिक और वाइटल इन्वॉल्व इन, टाइप बोलना सही नहीं रहेगा, पहला उसमें लिखिए एटॉमिक, एक कॉन्सेप्चुअल इस पर ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। एक किसका शेप रहेगा? पी का, राइट? तो पी और पी के बीच में चाहे जिस टाइप का भी ओवरलैपिंग हो, बाद में आपको पढ़ाएंगे कि पी और पी के बीच में दो टाइप का ओवरलैपिंग होता है, एक एक्सियल और एक लैटरल, एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है और लैटरल से पाई बॉन्ड, बट अभी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ किसमें इंटरेस्ट है, इसका लीनियर ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है। तो पी और पी के बीच में ओवरलैपिंग और एस के बीच में ओवरलैपिंग,
किसमें ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा दिखेगा? यस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पी और पी में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा बनेगा, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, और एस और एस के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होता है, राइट? लेकिन व्हाट अबाउट एस एंड पी? तो सर इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का कैरेक्टर रहेगा। इसका मतलब है कि अगर अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन पी एंड पी, एस एंड पी, एस एंड पी एंड एस एंड एस में अगर ऑर्डर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कब किस में रहेगा? पी एंड पी, उसके बाद एस एंड पी, और सबसे कम किस में रहेगा? बट इस कॉन्सेप्ट को लगाने का एक क्राइटेरिया है, एन इज कीपिंग कॉन्स्टेंट। बोलिए क्या है? एन इज कीपिंग कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर तभी आप आंसर में लगा के आ सकते हैं जब सेम ऑर्बिट नंबर हो। क्या हो? समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, 2p 2p, 2s 2p एंड 2s 2s। सब में कॉमन क्या था? 2 2 2 2, यानी सारा ऑर्बिटल, ऑल ऑर्बिटल बिलोंग फ्रॉम द सेम ऑर्बिट, ऑल ऑर्बिटल बिलोंग फ्रॉम, तब ये ऑर्डर सही रहेगा, अदरवाइज ये ऑर्बिट, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर? पहला फैक्टर एक था एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, और दूसरा फैक्टर मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ, करेक्ट? तो ये कॉन्सेप्ट कब आपको काम में आएगा? ये ऑर्डर सही रहेगा व्हेन ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंग फ्रॉम द सेम ऑर्बिट। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एन इज कीपिंग, नीचे लैंग्वेज बना लीजिए। इसका मतलब है इसका कंक्लूजन क्या हुआ? पी और पी के बीच का ओवरलैपिंग किससे ज़्यादा रहेगा? एस और पी को अलग लिखिएगा, नहीं तो कुछ और मीनिंग हो जाएगा। एक साथ लिख देंगे तो सेम मीनिंग रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा, राइट? एस एंड पी, और उसके बाद प्रोवाइड एक किसका ऑर्डर है? लिखिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ये है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, डायरेक्ट आ चुका है ऑब्जेक्टिव, बट इसमें क्राइटेरिया क्या है? ऑर्बिट नंबर, इसकी ऑल ऑर्बिटल बिलोंग फ्रॉम सेम ऑर्बिट, लिखिए ऑल ऑर्बिटल बिलोंग फ्रॉम सेम ऑर्बिट। इसका मतलब है कि इसमें मेन क्या रहा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। यस yes. तो उसी के लिए तो पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड, ए ओवरलैपिंग का अमाउंट ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? ज़्यादा रहेगा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट से पहले इसको जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना नहीं है, याद रखिए सब लोग। दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको लिखना नहीं है, बाद में लिखाऊंगा। दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बनना है, क्या बनना है? तो दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर जाएगा या पास आएगा? बॉन्ड बनना है भाई, क्लोज आएगा ना, तो क्लोज आने के लिए, अब यहाँ देखिए, अगर दो ए भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, कोई भी टू एटम कम क्लोज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आर ऑपरेटिंग? ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, आंसर क्या है? मतलब ये दोनों पास में आ रहा है तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आर ऑपरेटिंग? चार। वैंडरवाल नहीं, वैंडरवाल के अंदर का बात कर रहा हूँ, वैंडरवाल के अंदर भी तो सब कुछ के अंदर कुछ और चीज़ है, नाम है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन, तो दो टाइप का अट्रैक्शन, करेक्ट? अब दो टाइप का रिपल्सन, अब फिर भी पास आ रहा है, दो रिपल्सन दो अट्रैक्शन, अब फिर भी पास आ रहा है, डैम श्योर अट्रैक्शन मोर देन रिपल्सन,
ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्शन मोर देन रिपल्सन. अगर रिपल्सन अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो आएगा, बट एक लिमिट से ज़्यादा क्लोजनेस रिपल्सन क्रिएट करता है. एक लिमिट से ज़्यादा क्लोजनेस क्या क्रिएट करता है, तो जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है, ये बाद में पढ़ेंगे, क्लासिकल थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी कॉन्सेप्ट में. तो जहाँ पे बॉन्ड एग्जैक्टली फॉर्म हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन. इसी पे देखिए, सिर्फ इस बात का मैं क्रेडिट देता हूँ कि IIT बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट करता है. मतलब दिमाग घूम जाएगा, मतलब क्वेश्चन बनाकर दिल खुश हो जाएगा. दिमाग तो घूमेगा ही, बट बढ़िया लगेगा. IIT एग्जाम है नहीं, मजाक थोड़े है. इंडिया का वर्ल्ड का टफेस्ट कंपटीशन है भाई, वर्ल्ड का टफेस्ट कंपटीशन IIT एडवांस का एग्ज़ाम होता है. मैं आप खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उससे भी ऊपर है वो. वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात कर रहा हूँ. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है 12th लेवल पे. कौन से लेवल पे? जितना यहाँ पे कंपटीशन है, जितना आप यहाँ पे पढ़ते हैं ना, अगर आप US में रहते तो उसका 1/3 टफनेस में डॉक्टर बन जाते. वहाँ पे मेडिकल और IIT का जैसा 50 कॉलेज है, कितना, मोर देन 50, 100 के आसपास, और पॉपुलेशन है 30 करोड़. और हम लोग तो बिल्कुल फल फूल रहे हैं ना, हम लोग का पॉपुलेशन तो 150 करोड़ होने वाला है, राइट. और सबसे इंटरेस्टिंग है कि हम लोग से एरिया 5 times ज़्यादा है. वहाँ का एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल, तो जितना एरिया इंडिया का है उससे 5 times ज़्यादा एरिया है US का, और पॉपुलेशन 5 times कम है. देखते नहीं है वहाँ पे मकान बनता है तो कितना गार्डन रहता है, और यहाँ पे मकान तो रोड पे ही, हम लोग बाउंड्री थोड़ा 1 feet ज़्यादा बेचारा. और कार यहाँ पे लोग कार अच्छे से रखते हैं, तो 2 cars जब गली में आते रहते, एक ऐसे रहेगा एक ऐसे रहेगा, जाने का जगह नहीं मिल रहा है. और हम लोग नहीं, रहने का बहुत कमती है भाई जगह, ये सबका नहीं बोल रहा हूँ, खुद पे ही सोच रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल क्या हो गया है. कम से कम गाँव में फील्ड तो था, जहाँ पे जाकर लोग खेलता था, राइट. अभी भी गांव में इतना पॉपुलेशन नहीं है, बहुत सुकून का लाइफ है. तो मैं इस चीज़ को मिस करता हूँ ना, 10th class से घर से निकल गया हूँ. 10th class से जो घर से निकला तो घर के लिए गेस्ट बन गया. उसके बाद मैं, मुझे याद नहीं है कि 10th के बाद मैं कभी जाके 20 दिन घर पे कंटिन्यू रहा हूँ. 20 days तो बहुत बड़ा टाइम बोल दिया, 20 दिन भी नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे. इसलिए अभी आप लोग, अगर कोई पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और पेरेंट्स अगर आपको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो यू आर लकी पीपल. बाद में बात करने के लिए तरस जाइएगा, नहीं मिलने के लिए. अभी होता ना इरिटेशन, सुबह उठते ही कुछ बोलना स्टार्ट कर दिए, राइट, देर से उठ तो सबको लीजिए. हालांकि होता है, बट एक चीज़ और होता है, एक लिमिट से ज़्यादा केयर भी ख़राब हो जाता है. थोड़ा 10th के बाद बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए इस बात के लिए, तुम अपने तरीके से पढ़ो जो तुम्हारा रूटीन सूट करता है, बट उसमें थोड़ा सा केयर, आज के डेट में केयर भी चाहिए. देखिए, एक तो पढ़ाई होता है कि आपको फैमिली में बहुत कमी है, मतलब आपको लग रहा है कि अगर मैं नहीं पढ़ के निकला तो घर में सुबह शाम खाना भी नहीं बन पाएगा, समथिंग लाइक दिस. तो उसमें तो भाई आपको फिर आप अपने आप को भूल ही जाते हो. तो वो जो मोटिवेशन है ना स्ट्रगल वाला, उसमें तो आपको पीछे मुड़कर देखने ही नहीं देगा, ना सोने देगा, दिमाग में सुबह शाम चलते रहेगा कि नहीं किया तो पूरा फैमिली पीछे हो जाएगा. जैसे अभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ लो, वहाँ पर जब ऐसा फील होगा तो फिर मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं, वही आपका मोटिवेशन है. नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या? अंत यही है कि सुबह शाम अपना जाओ, खेत में काम करो, खेती करो, वो ख़राब बात नहीं है, बट लास्टली तो करना वही पड़ेगा. क्योंकि कुछ भी अगर आपका क्वालिटी नहीं रहेगा तो 10,000 रुपया पर मंथ कमाने के लिए हालत ख़राब हो जाएगा, राइट, आज के रेट में. और क्वालिटी है तो मंथ का 2 lakh भी आपके लिए कम पड़ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड, तो दिस इज़ द पीक टाइम. जो लोग इसको मजाक में लेते हैं ना, तो उनको लगता है अच्छा सर तो डेली यही बात करते रहते हैं, आप भी बोर हो गए होंगे, बट फैक्ट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो कटु सत्य है. चलिए, ये समझ में आ गया. तो एक्चुअल में, एक मिनट यहाँ देखिएगा, तो 2 atom को पास लेने का एक तरीका ये भी है, करेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि 2 atom इस साइज का है और बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, और 2 atom इस साइज का है.
तो कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का चांस है? यस, इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिट नंबर ऑफ व्हाट? वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला कि ये है बट यही सारा फैक्टर नहीं, ये वन ऑफ द फैक्टर है बट इसका ऑर्डर तब होगा जब वेन एन इज कीपिंग सेकेंड पॉइंट। लिखिए इफ एटॉमिक और वाइटल हैविंग डिफरेंट ऑर्बिट नंबर, इफ एटॉमिक और वाइटल हैविंग डिफरेंट ऑर्बिट नंबर देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस ऑफ एटॉमिक और वाइटल विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस या टू द न्यूक्लियस। अब देखिए, यहां देखिएगा स्टूडेंट, अगर ये बात आज के क्लास में डील नहीं करते हैं तब आपसे पूछते हैं, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा के छोड़ देते हैं और तब पूछते हैं वन एस वन एस और टू पी टू पी में कहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा? अभी ना, आफ्टर सेकंड पॉइंट, बट फर्स्ट पॉइंट ही डील करके छोड़ते तब तो आप बोलते कि नहीं सर ने पी पी सिखाया है, बट अभी क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरा ऑर्बिट नंबर एटॉमिक और वाइटल ऑर्बिट नंबर वन और ऑर्बिट नंबर वन का है तो इसका अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर एक है एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक और वाइटल का ऑर्बिट नंबर वन और दूसरे का ऑर्बिट नंबर टू तो इन दोनों में किस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? इन तीनों में, इसका ज़्यादा, उसके बाद इसका कम और इसका उससे भी कम। ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ऑर्बिट नंबर किसका? वैलेंस एटॉमिक और वाइटल का। किसका? क्योंकि ओवरलैपिंग में जाएगा कौन? वैलेंस एटॉमिक और वाइटल। तो ये है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो दोनों पॉइंट में से कौन सुपीरियर पॉइंट? सेकेंड इज द, सबसे पहले क्या देखना है? सेकेंड, दिस वन इज द सुपीरियर पॉइंट, राइट? सबसे पहले ये देखना है, ठीक है ना? ए मैंने किसका लिखा? ऑर्बिट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिट नंबर ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसको क्वेश्चन थोड़ा मिक्स कर दें, वन एस वन एस, यहां देखिए वन एस टू एस एंड वन एस टू पी, टू एस टू एस, टू पी टू पी। टू एस थ्री एस, टू एस थ्री पी, कुछ एक कॉमन रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आंसर देने में। तो इतना तक कहीं काम चलाते हैं, बाद में देखेंगे। चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इन सातों के बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, आपको नहीं था कि इस ग्रुप का ओवरलैपिंग इस ग्रुप से ज़्यादा रहेगा? इन दोनों ग्रुप में, दो में से इसका कंपेयर करेंगे किसका ज़्यादा रहेगा? वजह सर, इसमें ऑर्बिट नंबर वन ऑर्बिट नंबर वन है बट इसमें डिफरेंस हो गया, ऑर्बिट नंबर वन तो कॉमन है बट यहाँ पे ऑर्बिट नंबर, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? ऑर्बिट नंबर को, करेक्ट? क्योंकि ऑर्बिट नंबर कम रहेगा तो उसका न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज़्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, करेक्ट? बट इन दोनों में आपस में कंपेयर करेंगे तो कॉमन हो गया वन टू वन टू, क्या हो गया? वन टू वन टू, तो ऑर्बिट नंबर सेम रहा, राइट? इसमें भी ऑर्बिट नंबर क्या?
वन टू, इसमें भी ऑर्बिट नंबर कौन इन्वॉल्व है? वन टू, तब इन दोनों में कौन ज़्यादा रहेगा? वन एस टू ग्रेटर देन वन एस टू एस, समझ रहे हैं? जहाँ पे ऑर्बिट नंबर कॉन्स्टेंट रहेगा, देर इज ओवरलैपिंग बिटवीन वन एस एंड टू पी, देर इज ओवरलैपिंग बिटवीन वन एस एंड टू पी, तो इसमें ये चीज़ तो कॉमन है ना दोनों में, वन टू वन टू, तब क्या देखेंगे? टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, देन टाइप ऑफ, तो यहाँ पे क्या दोनों पॉइंट को मिलाकर सबसे ज़्यादा तो इसका रहेगा, बट इसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद यस, इन दोनों में 2p 2p, p और 2 2 हो गया ना, उसके बाद 2s 2s, उसके बाद 2s 3p, उसके बाद 3s, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑर्बिट नंबर, टाइप ऑफ ऑर्बिट नंबर एज वेल एज टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बट क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके आएगा, जैसे मैंने मिक्स करके सेट किया, ठीक है? कहीं पे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। अब एक मिनट यहाँ देखिएगा, एक मिनट यहाँ देखिएगा, टूपी टूपी मैं आगे चलकर दो कैटेगरी कर दूंगा, टूपी टूपी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू टूपी टूपी एंड पाई बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू टूपी टूपी, पी और पी का ओवरलैपिंग से दो टाइप का ओवरलैपिंग क्रिएट होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो सिग्मा ज़्यादा स्ट्रांगर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पाई, बट अभी मैं सिग्मा पाई नहीं डिवाइड किया, अभी मैं जस्ट ए ले रहा हूँ, करेक्ट? तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, अब आपको सिक्वेंस समझ में आ गया है, सिक्वेंस क्या है एवरीवन? अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी बोल रहा हूँ, एवरी सैटरडे केमिकल बॉन्डिंग अब चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पार्ट ओवर, तो सैटरडे सैटरडे क्या चलेगा, बाद में नॉमक्लेचर वाला जब क्लास खत्म होगा तो वहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा थ्री क्लास रेजोनेंस ऑर्गेनिक का, करेक्ट? और बाद में शाम में एक क्लास आइसोमेरिज्म चलते रहेगा, अभी स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि अचानक से ऑलरेडी बहुत स्टार्ट हो गया है, इतना ही आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिए काफ़ी है, बट ये मेरा मजबूरी था, नंबर ऑफ क्लासेज स्टूडेंट आप न्यू हैं तो ज़्यादा रहे। अच्छा आप ही को ही को मैं कल कॉल किया था क्या? आपके लिए मैं रिकॉर्ड किया हूँ, ले लीजिएगा वीडियो, ठीक है? और उसको उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कॉपी बना लेंगे, कितना कॉपी क्या बनाना है, तो थोड़ा क्लासेज ज़्यादा है बट उस क्लासेज ज़्यादा होने से आप बेनिफिटेड रहेंगे। मान लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए अप्रैल लास्ट तक अगर मैंने सिलेबस को बाइंड अप कर दिया तो उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं तो मई जून, अगर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ उतना टाइम लगेगा, मई एग्ज़ाम नहीं होगा स्टूडेंट, बी पॉजिटिव। अब मई में एग्ज़ाम होगा अभी तो लास्ट मई में होगा, ठीक है? और एक मिनट, मार्च आपको खुद ही आप लोग बोले, जैसे आपसे भी मैं फर्स्ट डे काउंसलिंग किया था ना, आप आए थे, पहला क्वेश्चन क्या था? बायो कैसा है? आपने क्या आंसर दिया था? सर बढ़िया है, बाय में सर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मार्च तक अगर मैं 80% सिलेबस को अगर फिनिश कर दूंगा, सपोज फरवरी तक मान लीजिए 80% कवर कर दिया, जो कवर करेंगे उसका क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो भाई उतना क्वेश्चन का तो कॉन्फिडेंट रहेंगे। और इस बार ही सेशन लेट है तो आपको नहीं लग रहा है कि जून तक जाएगा एग्ज़ाम? इतना उससे पहले तो नहीं होगा, एकदम श्योर रहिए। मतलब एमए कुछ मुझे नॉलेज नहीं है, किसी ने बताया नहीं, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ राकेश सर के पास कहीं तो नोटिस आ गया, मैं भी वही देखता हूँ यूट्यूब पर चाहे, लेकिन वो उस पर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बहुत लोग गुरु ज्ञान देते रहते हैं, और यूट्यूब पर इतना ज्ञान मिल चुका है मुझे कि मैं भी उब गया हूँ, पता नहीं बहुत लोग यूट्यूबर ये बना देंगे, मुझे पता नहीं उससे इरिटेशन अब होना स्टार्ट हो गया है, पहले मैं देखता था अच्छा सही बात है, बट सबका बोलने का तरीका सीक्वेंस बिल्कुल अलग है, अब वो करने का रिक्वायरमेंट नहीं भाई, पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। बच्चे क्या होता है सिर्फ आइडिया लेते रहते हैं कि हाँ आज आइडिया क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो कर दीजिए, आइडिया खुद मिल जाएगा, स्टार्ट ही नहीं करते सिर्फ आइडिया ले रहे हैं।